सब्सक्राइब करें टेकऑन 24 को और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकऑन 24 में। आपने ऐसे मैसेजेस बहुत देखे होंगे जो कि आपके व्हाट्सएप पे आते होंगे और इन्हें कहते हैं वायरल व्हाट्सएप मैसेजेस और साथ ही साथ इनको इवेंट ब्लॉगिंग भी बोलते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज जो आपके फोनों में आते हैं, जो एक दूसरे को लोग भेजते हैं कि भाई हैप्पी इंडिपेंडेंट डे, क्लिक हेयर टू सी दी मैजिक वगैरह 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 एंड ऑल, आपको ये पता भी नहीं होगा कि ये इवेंट ब्लॉगिंग, जो इसे हम बोलते हैं इवेंट ब्लॉगिंग, जो कि एक बंदा बनाता है और इसे वायरल करता है व्हाट्सएप पे और उसके बाद ये वायरल हो जाता है, तो जिस बंदे का ये ब्लॉग होता है उसको मिल जाते हैं ढेरों पैसे, वो भी कुछ ही टाइम में। और ये इवेंट ब्लॉगिंग आपको कम से कम $100 पर डे भी दे सकती है, कम से कम बोल रहा हूं मैं, और मतलब काफी अच्छे पैसे आप कमा सकते हो इवेंट ब्लॉगिंग करके, क्योंकि मैं भी करता हूँ ये। इनमें से आधे से ज्यादा तो मेरे खुद के ये ब्लॉग्स होते होंगे जो कि आप अनजाने में शेयर कर देते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि ये किसने बनाया है, तो ये इनसे मैं काफी पैसे कमाता हूँ। और अब आज मैं आपको बताऊंगा कि आप भी कैसे कमा सकते हो ये सब ऐसे मैसेजेस बना के, इवेंट ब्लॉगिंग करके। और इसे एक इंडिपेंडेंस डे स्क्रिप्ट बोला जाता है, वो स्क्रिप्ट भी मैं आपको दूंगा फ्री में ताकि आप इसको बना सको और इजीली तरीके से आप इस मैसेज को वायरल कर सको व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और दोस्तों ये सब कुछ फ्री है, मैं कोई पैसे इसके चार्ज नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पेड करते हैं, कुछ लोग चार्ज करते हैं ये स्क्रिप्ट वगैरह देने के लिए, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मैं आपको सब कुछ फ्री में दूंगा। और दोस्तों आप इसको बड़े आसानी से बना के आप, और इसे बहुत आसानी से बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगा, तो इवेंट ब्लॉगिंग करिए। और 15 अगस्त आने ही वाला है, जल्दी से बनाइए, जल्दी से इसको शेयर करिए और पैसे कमाइए और देखते रहिए टेकऑन 24। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना ब्लॉगर खोलना होगा, तो यहाँ पे मैंने अपना ब्लॉगर पहले से ही खोल रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको अपना ब्लॉगर खोल के यहाँ पे आपको जाना है और न्यू ब्लॉग बनाना है। तो यहाँ पे मैं न्यू ब्लॉग बना लेता हूँ, तो यहाँ से मैं ये देखिए ये न्यू ब्लॉग एक क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे आप टाइटल कुछ भी दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइटल दे देता हूँ विश इंडिपेंडेंस डे मैजिक। तो यहाँ पे मैं ये दे देता हूँ और टाइटल और एड्रेस भी यही दे देता हूँ यहाँ पे। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि स्पेस ना हो, क्योंकि स्पेस अगर आप छोड़ दे दोगे तो ये एड्रेस मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपको ब्लॉग भी मिल गया, अवेलेबल भी है ये, तो चलिए हम इसी से बनाएंगे अपना ब्लॉग। उसके बाद आपको यहाँ पे जस्ट थीम ले लेनी है सिंपल, यहाँ पे आपको ये वाली थीम चूज़ करनी है सिंपल वाली, उसके बाद क्रिएट अ ब्लॉग पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों वैसे इवेंट ब्लॉगिंग के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं आपको एक सिंपल शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जिसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मैं आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके भी बता सकता हूँ कि थीम वगैरह आप एडिट करके भी कर सकते हो, पर मैं वो सब नहीं, आपको मैं सिंपल सीधा तरीका बताऊंगा कि आप कैसे इवेंट ब्लॉगिंग कर सकते हो, वो भी इंडिपेंडेंस डे की। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको ये बोल रहा फाइंड अ डोमेन नेम फॉर योर ब्लॉग, तो हम इसको नो थैंक्स कर देंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा पूरा फ्रेश एक न्यू ब्लॉग बन चुका है। तो यहाँ पे देखिए अब हमें क्या करना है, क्रिएट अ न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम एक क्रिएट अ न्यू पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं, तो उसके बाद देखिए ये एक पेज खुल गया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये सबको ना हटा देना है, ठीक है, यहाँ से सब हट गया। उसके बाद आपको बस HTML टैब पे रखना है, क्योंकि जो कोडिंग मैं आपको दूंगा वो HTML में होगी, तो जस्ट आपको ये HTML पे क्लिक करके रखना है। और उसके बाद आपको अब मैं एक कोडिंग दूंगा, और वो कोडिंग कहाँ से मिलेगी आपको, वो मिलेगी हमारी वेबसाइट से। आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक, यहाँ पे देखिए फेस्टिवल विशिंग वेबसाइट स्क्रिप्ट अगस्त इंडिपेंडेंस डे नाम से एक पोस्ट मिलेगी, आपको जस्ट इस पोस्ट पर क्लिक करना है।
तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ इस पोस्ट पे, और ये हमारे हमारा ब्लॉग है, आप यहाँ पे आके बहुत सी चीज़ें पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है कि स्टेप वाइज कि आप कैसे बना सकते हो। अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहें तो ये ब्लॉग पे आके मेरे पढ़ भी सकते हो। तो आपको जस्ट मैं डाउनलोड करना बताता हूँ कि आपको स्क्रिप्ट कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है डाउनलोड दी 15 अगस्त इंडिपेंडेंट डे स्क्रिप्ट, क्लिक हेयर टू डाउनलोड इंडिपेंडेंट डे स्क्रिप्ट। तो आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देखिए, ये एक मेरे मीडिया फायर के अकाउंट पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये एक फाइल है, यहाँ पे सीधा आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन डाउनलोड का दिख जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट हम क्लिक कर देते हैं, तो ये देखिए ये हमारा डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे। तो ये डेस्कटॉप पे मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये देखिए ये रहा डेस्कटॉप पे। तो अब आपको इसको ओपन करना है और इसे एडिट करना है। अब आप इसे एडिट क्यों करोगे, वो इसलिए क्योंकि आपको जो आपने यहाँ पे ब्लॉगर में का नाम दिया है ना, ब्लॉगर की जो वेबसाइट है, तो आपको उसके लिए, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे आप सेटिंग में जाओगे, तो सेटिंग में जाने के बाद बेसिक में यहाँ पे ये जो आपने एड्रेस है ना, ये आपको एड्रेस अपना डालना है, वो जो क्योंकि जो इसमें मतलब इस यहाँ पे जो भी ये है, यहाँ पे जितनी भी कोडिंग है, इसमें क्या है कि इसमें मेरी वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है। तो आपको जस्ट मेरी वेबसाइट का लिंक हटा के अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है। तो चलिए अब हम इसे एडिट करते हैं, और इसको आप ऐसे एडिट मत करिएगा क्योंकि ये एक मतलब इसमें आप ना खोलें, क्या कहते हैं, ये सिर्फ सिंपल एडिट मत करिए ऐसे करके कि आप नोटपैड में खोल के इसे एडिट करने लग जाएं। तो आप इन क्योंकि ये कोडिंग ख़राब हो सकती है अगर आप सिंपल एडिट करोगे तो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एडिट करने के लिए आपको नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करना पड़ेगा। अब वो नोटपैड प्लस प्लस कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, या फिर आप सिंपल गूगल पे सर्च कर लो नोटपैड प्लस प्लस, तो ये आपको फ्री डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। या फिर आप सिंपल से मेरी वेबसाइट पे वापस से आइए, मेरे ब्लॉग पे वापस से आइए, और यहाँ पे देखिए आपको नोटपैड प्लस प्लस का भी यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्टेप 5 में नोटपैड प्लस प्लस का लिंक, तो आप यहाँ पे क्लिक क्लिक करेंगे क्लिक हेयर टू डाउनलोड पे, तो ये यहाँ पे सीधा ले जाएगा इनके नोटपैड प्लस प्लस की वेबसाइट पे। तो उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे डाउनलोड पे आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद जब ये डाउनलोड हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा इस पे आना है, यहाँ पे जो भी आपने फ़ाइल डाउनलोड करी होगी, तो ये फ़ाइल का नाम देख लीजिए, ये ऐसे फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एडिट विथ नोट पैड प्लस प्लस ऑप्शन आएगा, आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद ये ऑप्शन आएगा, तो आपको इस पर जस्ट क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जस्ट अब यहाँ पे ना अपनी वेबसाइट का लिंक देना है। तो अब हम चलिए यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देते हैं, मेरी वेबसाइट का लिंक हटा के, तो हम इसे एडिट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको सिर्फ एक जगह अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है, जो कि यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी ये वेबसाइट का लिंक है happy15independentday.blogspot.com। आपको जस्ट क्या करना है, इसे हटाना है और अपनी वेबसाइट का लिंक इसमें डालना है। तो आप यहाँ पे नंबर भी देख सकते हैं, ये 720209 पे ये यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा। तो ये सबसे लास्ट में, आप सबसे लास्ट में जाके इसको हटा के अपना लिंक दे सकते हैं। तो आपको अपना लिंक देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके जस्ट इसको कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ पे सबको सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे, और फिर से नोट पैड में जाएंगे, ये रहा नोट पैड प्लस प्लस में जाएंगे, और फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, जो मेरी वेबसाइट का लिंक है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया देखिए आपकी वेबसाइट का लिंक। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद वापस से अपने ब्लॉगर पे जाएंगे। यहाँ पे हम अपने ब्लॉगर पे चले जाते हैं, और यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करते हैं, और ये हम न्यू पोस्ट बना रहे थे, तो चलिए हम इसको बनाते हैं वापस से। तो यहाँ पे आपको HTML पे क्लिक करना है, HTML पे क्लिक करने के बाद इसको जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना है एज इट इज़। तो ये देखिए यहाँ पे एक पूरा पेस्ट हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और पेस्ट होने के बाद आपको क्या करना है, इसको सीधा पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इसे पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं।
तो ये देखिए, ये हो गया हमारा पब्लिश। अब चलिए हम इसको व्यू करके देखते हैं कि दिखता कैसा है। तो हम इसको व्यू करते हैं और यहाँ पे देखिए ये खुल गया है, और ये देखिए ये ऐसा दिखेगा आपको। और वो जो नेम डालने का आया था ऑप्शन, वो नेम आपके फ़ोन में आएगा डालने का ऑप्शन। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ना कुछ फालतू की चीज़ें हैं, जैसे जो कि ब्लॉग अर्चीव लिखा हुआ है यहाँ पे, और भी आपको मतलब ये साइन, ये कमेंट बॉक्स वगैरह सब रिमूव कर देना है ताकि ये थोड़ा अच्छा सा लगे। तो चलिए हम इसको रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने के लिए वापस से आपको पहले तो यहाँ पे इस पोस्ट पे एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे डोंट अलाउ, डोंट डोंट अलाउ, यहाँ पे देखिए रीडर कमेंट्स है, यहाँ पे आपको लिख देना, कर देना है डोंट अलाउ हाइड एग्जिटिंग। और यहाँ पे आपको जस्ट बस इसको ही डोंट अलाउ पे क्लिक करके डन कर देना है, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स वहाँ से गायब हो जाएगा। उसके बाद आपको जस्ट ये वापस इसे अपडेट पे क्लिक करके अपडेट कर देना है इसे आप, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना है, पेजेस पे ये लेआउट पे आना है। लेआउट पे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें दिख रही है ना, वो सारी रिमूव कर देनी है, एक्स्ट्रा चीज़ें। जैसे यहाँ पे ब्लॉग अर्चीव है, तो ये एडिट पे क्लिक करके नीचे आओगे यहाँ पे, उसके बाद इसे रिमूव कर देना और ओके पे क्लिक कर देना। तो ये देखिए रिमूव हो गया। ऐसे ही जितनी भी यहाँ पे आपको फालतू की चीज़ें दिखे तो वो सब रिमूव कर देना। तो यहाँ पे खैर एक ही थी तो वो मैं रिमूव कर चुका हूँ, और कुछ तो यहाँ पे है नहीं। तो अब उसके बाद आपको यहाँ पे अपने एडसेंस की एड्स डालनी है। तो एडसेंस के ऐड डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड ए गैजेट पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको एक डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐड ए गैजेट पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए जो पहला ऑप्शन आएगा एडसेंस का, इस पर क्लिक कर देना है, और ये आपकी ये ऐड हो जाएगी। और ये मेरे को कॉन्फ़िगर करने के लिए बोल रहा है अपना एडसेंस अकाउंट, तो वो हम खैर बाद में करेंगे। तो आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करके एडसेंस का लिंक, अगर आपका एडसेंस से अप्रूव्ड है तो ही आपके यहाँ पे आएगा। तो आप इसको एडसेंस से ऐसे यहाँ पे क्लिक करके ये एडसेंस लगा सकते हैं यहाँ से। देखिए ये रहा, यहाँ से आप प्लस पे क्लिक करके लगा सकते हो, और ऐसे यहाँ पे भी लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद थोड़ा नीचे आके यहाँ पे मतलब जितनी आप ऐड लगाना चाहे उतनी ऐड आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब यहाँ पे तो आप ऐड लगा के पैसे कमा लोगे, ठीक है। तो आपके ये पूरा ब्लॉग बन जाएगा। तो और उसके बाद हमें अब सबसे लास्ट सेटिंग जो चेंज करनी है वो थीम में आके करनी है। थीम में आपको आना है, और यहाँ पे देखिए ये सेटिंग का ऑप्शन है, आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, और यहाँ पे नो नो करना है, नो शो डेस्कटॉप थीम ऑन मोबाइल डिवाइसेस, और सेव पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद देखिए ये हो जाएगा ऐसे। उसके बाद आपको जस्ट क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में ये खोल के देखना है, और फ़ोन में ये बढ़िया खुलेगा, और व्हाट्सएप पे शेयर करना है आपको। तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पे देखिए क्लिक करके व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। तो फ़ोन में ये वेबसाइट खुलती हैं ज़्यादातर, तो कंप्यूटर में तो कोई खोलेगा नहीं। तो देखिए आपको, आपके सामने पूरी एक ऐसी, यहाँ पे देखिए सब कुछ गायब हो चुका है, सारा मटेरियल गायब हो चुका है उल्टा सीधा, बस ये पूरा पूरा आपके सामने एक विशिंग वेबसाइट है। और यहाँ पे नल लिखा हुआ है क्योंकि मैंने अभी कोई नाम नहीं डाला, पर आप इसको अपना नाम जब भी आप इसे फ़ोन में खोलोगे तो आपके सामने आएगा। तो चलिए एक बार मैं आपको फ़ोन में अपनी वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ कि अब ये कैसा लगता है। तो दोस्तों ये रहा मेरा फोन, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कैसे वो फोन में खुलता है। और ये जो भी ब्लॉग बनाया है हमने, इसको स्पेशली हम फोन के लिए बनाते हैं, इसलिए कंप्यूटर पे ये प्रॉपर ना भी खुले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंप्यूटर पे व्हाट्सएप हम ज्यादा खोलते नहीं है, हम अपने फोन में खोलते हैं, तो ये फोन में अच्छा खुलता है। तो आप ऐसे ये मैसेज बना के व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो और कमा सकते हो पैसे। और ऐसे ही ये तो इंडिपेंडेंट डे का है, जितने भी फेस्टिवल आएंगे मैं सबकी स्क्रिप्ट बनाऊंगा और आपको फ्री में अवेलेबल करवाऊंगा, और आप इसे एडिट करके इमेजेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और आप मेरी मेरी खुद की देखना चाहते हैं इंडिपेंडेंट डे स्क्रिप्ट, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है, आप उस पर क्लिक करके मेरी स्क्रिप्ट भी चेक कर सकते हैं कि मैंने कैसा मैसेज बना रखा है। और अगर आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, और ये नोटपैड प्लस प्लस और ये स्क्रिप्ट वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन भी है उस पर भी क्लिक करें, और उसके बाद ये मेरी वीडियो शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके इन सब चीजों के बारे में, और वो भी पैसे कमा
कमा सके इन सब चीजों से। आपके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।